హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అబ్ క్యూకి గోదాన్ కే బారే మే ఇత్ని బాత్ కహ్ ది గయి హై ఇస్లియే మే జ్యాదా నా బోల్తే హువే సీధా పడ్తీ హూ. ఠీక్ హై. గోదాన్ జో హై ఉస్కే జో కిర్దార్ హై జో నాయక్ ఔర్ నాయికా హై, నాయక్ కా నామ్ హై హోరీ ఔర్ నాయికా కా నామ్ హై ధనియా. और आगे कहानी पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि उनके तीन बच्चे हैं और दो भाई हैं होरी के. मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए किताब पढ़ती हूँ. एक्ट्रेस हूँ, अभी एक्टिंग करके थोड़ा पढ़ूँ कि जी. होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर की ओख गूड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, ज़रा मेरी लाठी दे दे. धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी. बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है. होरी ने अपने झुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा. इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे. तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख. देख इसी मिलने जुलने रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं क्या पता न लगता कि किधर गए. जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है. धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं. यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितने ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है. फिर भी वो हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था. उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं, एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और दो लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की. 3 लड़के बचपन में ही मर गए. उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर वो एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकती थी. उसकी भी अभी उम्र ही क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं, सारी देह ढल गई थी, वो सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आँखों में भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता ही के कारण. तो कभी तो जीवन का सुख न मिला. इस चिरस्थाई जीर्ण शस्ता में उसने आत्मसम्मान की उदासीनता का रूप दे दिया था. जिस गृहस्थी में पेट की रोटियाँ भी ना मिलें उसके लिए इतनी खुशामद क्यों. इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था. उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया. होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है, ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं. होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी. धनिया ने लजाते हुए कहा, हाँ ऐसे तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सहेजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी. होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसा मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे. तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे. होरी की वो क्षणिक मधुरता यथार्थ के इस आँच में जैसे झुलस गई. लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे. धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, अब मत असगुन मुँह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात तो कही नहीं जाती, तो लगते हो कोसने. होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे दूर तक देखती रही. ये हुआ इंट्रोडक्शन हमारा होरी और धनिया का, उनके प्यार का, उनके नोकझोंक का,
इसके बाद होरी जब आगे जाता है तो उसे गांव का एक भोला नाम का व्यक्ति मिलता है। वो शहर से दो गायें खरीद के लाता है और कहता है कि मुझे एक गाय दे दे। तो भोला कहता है कि 80 में खरीदी है भाई, तू 80 रुपये में ले ले। तो होरी कहता है अब 80 रुपये तो है नहीं मेरे पास, लेकिन दादा मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके देता रहूँगा। मैं आपको कहानी काफ़ी लंबी है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रही हूँ। तो ऐसे करके होरी के घर गाय आ जाती है। होरी के घर गाय आ गई, वो मान गया, भोला मान गया। भोला ने कहा चलो ठीक है, तू आधे आधे पैसे दे देना। अब ये जो भोला है, इसकी जो बेटी है झुनिया, भोला की बेटी जो झुनिया है, वो होरी के बेटे गोबर के संग इश्क करती है। ये अभी तक कहानी में किसी को पता नहीं है, लेकिन गोबर जब उसके घर से गाय लेने जाता है भोला के यहाँ से, तो हमें थोड़ा उस बात का पता चलता है। तो गोबर गाय लेने गया है और गाय का पोता था, और उसका लालन पोषण के लिए गाय का होना और गाय का दूध का होना ज़रूरी था। मगर रुपये कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊपर में कंकड़ की खुदाई शुरू करी। हीरा ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। वही बात जो सर ने कही कि किसान के मजदूर बनने की कहानी, तब उसका लैंड उसके साथ से चला गया है, उसका खेत खलिहान सब चला गया है और अब वो मजदूर बन गया है, वो मजदूरी करता है और वो खुदाई करने लगा। मगर ये काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर का रुपया मिल जाएगा। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल भरा हुआ, अवसाद का नाम नहीं। उसी उल्लास से दूसरे दिन काम करने जाता, रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता, कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी, उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा तुम्हें नींद आती है तो जाके सो जाओ, भोरे फिर तुम्हें काम पर जाना है। होरी ने आसमान की ओर देखा और कहा चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो जा, मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है, यहाँ तो ये धुन है कि कब गोबर आए और राम सेवक के आधे पैसे जमा रहें। कुछ वह भी लाएगा, बस इस साल ये ऋण का से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की बड़ी याद आती है। उसके बाद दोनों सो गए और उसके बाद होरी आया और पूरी रात दोनों भाई मिलकर रोए। तो अगले दिन होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी, रात की थकान दूर ना हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में एक अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के छौबे उठा उठा कर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया था, ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी, उसके पांव तक ना उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने ना स्नान ही किया ना चबेना, उसी थकान ने अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा। मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है, खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की लेकिन प्रति क्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी, ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रखी थी और चबेना कर रखा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट गया। मगर आधे घंटे में ही उसे कह हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा कैसा जी है होरी भैया? होरी के सर में चक्कर आ रहा था, बोला कुछ नहीं अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कह हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पे आने लगी। लेकिन आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल विकृत और असंबंध। वो सुखद बालपन आया जब वो गुल्लियाँ खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हनिया बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसे भोजन करा रही थी और फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई और उसी मजदूर ने फिर पुकारा,
दोपहरी डल गई होरी, चलो छौवा उठाओ। होरी कुछ ना बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.